नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 81 PMG का रिव्यू बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करते टाइम बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये जो 81 PMG टैबलेट मार्केट में आती है, फाइजर कंपनी की आती है, 30 गोली का टैबलेट का पैक रहता है। ये जो 30 गोली का टैबलेट का पैक मार्केट में आता है, उसकी कीमत रहती है 75 रुपये और 15 पैसे, यानी 75 रुपीज़ एंड 15 पैसा। तो पूरी जानकारी लेंगे दोस्तों, ये दवा क्या चीज़ के लिए चलती है, इसका यूज़ कैसा करना है, इसका इफ़ेक्ट क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। सबसे पहले, ये दवा डॉक्टर के सलाह के अनुसार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर लेनी चाहिए। यह दवा आपके नज़दीकी केमिस्ट के दुकान में, मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगी। इसके कंटेंट के बारे में देखेंगे, क्या कंटेंट कंपनी ने इसके अंदर डाले। दोस्तों, इसके अंदर लोराजेपाम 2 mg सिंगल कंटेंट है, सिंगल इंग्रेडिएंट है। इसके यूजेस के बारे में देखेंगे, क्या चीज़ के लिए चलती है। तो ये जो 81 PMG टैबलेट मार्केट में आती है, इसको मेनली एंटी कन्वल्सन दवा बोला जाता है, विच इज़ यूज टू रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एंजाइटी एंड सीजर्स। दोस्तों, आपको एंजाइटी की शिकायत है, आपको टेंशन की शिकायत है, आपको सीजर्स की शिकायत है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए दवा दी जाती है। मेनली अगर आपको कुछ टेंशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से आप डिप्रेशन में हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको नींद की शिकायत है, नींद नहीं आ रही है, तो उससे लिए भी ये दवा चल सकती है। जो टेंशन रहता है, जो एंजाइटी रहती है, या फिर सीजर्स की जो शिकायत रहती है, उसकी वजह से नींद भी नहीं आती है, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये दवा आपका जो तकलीफ है, जो शिकायत है, उससे छुटकारा पाने के लिए काम आती है। इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में देखेंगे, दवा से आपको क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। ये दवा की वजह से आपको ड्राउजीनेस की शिकायत हो सकती है, ये दवा की वजह से आपको कन्फ्यूजन की शिकायत हो सकती है, ड्राइनेस इन माउथ आ सकता है, हेडेक की शिकायत हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। ये दवा की वजह से आपको वीकनेस आ सकता है, ये दवा की वजह से आपको वेट गेन भी हो सकता है। दोस्तों, और भी कुछ साइड इफ़ेक्ट, रिएक्शन, एलर्जी आपको नज़र आती है, तो आपके नज़दीकी डॉक्टर से आप मुलाकात कर सकते हैं। इसके डोसेस के बारे में देखेंगे, कैसा लेना है। जनरली इसको 1 टाइम इन अ डे, दिन में से एक बार इसको लेना चाहिए। डोसेस के लिए आप अपने डॉक्टर का भी सलाह ले सकते हैं। तो बहुत बढ़िया दवा है, एंजाइटी, डिप्रेशन और सीजर्स की शिकायत से छुटकारा पाने के लिए। ऐसे ही आने वाले बहुत से प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।